रहीम. ओके सो अब हम लोग जो टॉपिक करने वाले हैं दैट इज गोइंग टू बी द मैग्नीफाइंग पावर एंड रिजॉल्विंग पावर. हम लोग असल में कौन से टॉपिक पढ़ रहे थे, हम लोग यहाँ पर लेंस का टॉपिक अभी पढ़ रहे थे. तो हम लेंस के हिसाब से मैग्नीफाइंग पावर और रिजॉल्विंग पावर देखेंगे. ठीक है, यस मैम, अच्छा चलें इसको रीड आउट करना स्टार्ट करें. नवाल मैग्निफिकेशन गिव्स दैट हाउ मेनी टाइम्स द इमेज हैज बीन मैग्निफाइड बाय द इंस्ट्रूमेंट. रिजॉल्विंग पावर गिव्स द एबिलिटी टू सेपरेट बिटवीन टू क्लोजली प्लेस्ड ऑब्जेक्ट्स. द रेशियो ऑफ द एंगल्स सस्पेंडेड बाय द इमेजेस इमेज एज सीन थ्रू द ऑप्टिकल डिवाइस टू दैट सस्पेंडेड बाय द ऑब्जेक्ट दैट अनएडेड आई इज कॉल्ड मैग्निफाइंग पावर और एन एंगुलर मैग्निफिकेशन. अच्छा ठीक है. देखें नवाल, अगर मैं बहुत इसको सिंपलीफाई करके बता दो ना, तो मैग्नीफाइंग पावर असल में क्या है कि और रिजॉल्विंग पावर को अगर कंबाइन करके देखा जाए ना, तो किसी भी कैमरा की जो एबिलिटी है कि वो किसी भी पिक्चर को कितना क्लियर करके दिखा सकते हैं. ठीक है, जैसे एक कैमरा की एबिलिटी है ना किसी भी मंजर को, किसी भी चीज को बहुत क्लियर शो करवाना, ये मैग्नीफाइंग पावर रिजॉल्विंग पावर में आ जाता है. मैग्नीफाइंग पावर जो है वो असल में क्या है कि कितना अच्छा जो है वो आप जूम कर सकते हो. ठीक है, और रिजॉल्विंग पावर का मतलब है आप कितना अच्छा उस चीज के ऊपर फोकस रख सकते हो जूम करने के बाद, वो इमेज ब्लर ना हो जाए, क्लियर हो जाए. तो इन शॉर्ट थोड़ा सा मतलब लाइक ये इस तरीके से है. अच्छा, जो अगर आप बुक डेफिनेशन देखो मैग्निफिकेशन की क्या होती है, मैग्निफिकेशन की ये होती है कि आप किसी भी चीज को इनलार्ज करके देख लो, मैग्निफाई करके देखो. जैसे देखो आप कोई जो हिल है वो आपसे दूर हो, लेकिन आप जूम करते 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 आप उस कैमरा में उस चीज को बहुत नजदीक करके बहुत बड़ा करके देख लो, दैट इज बेसिकली मैग्निफिकेशन. क्लियर? यस मैम, एंड रिजॉल्विंग पावर बेसिकली ये शो करती है कि सपोज कोई चीजें हमें दूर से दिखाई दे रही हैं, ऐसे लग रहा है जुड़ी हुई हैं, लेकिन जब हम उन्हें पास करके देखें तो हमें दिखाई दे कि वो एक दूसरे से कितने डिस्टेंस पे मौजूद हैं. यस मैम, ठीक है, दैट इज रिजॉल्विंग पावर. क्लियर? यस मैम, यस मैम, क्लियर. अच्छा देखो, द रेशियो ऑफ द एंगल सबटेंडेड बाय द इमेज एज सीन थ्रू द ऑप्टिकल डिवाइस दैट इज सबटेंडेड बाय द ऑब्जेक्ट एट द अनएडेड आई इज कॉल्ड द मैग्नीफाइंग पावर और द एंगुलर मैग्निफिकेशन. एंगुलर मैग्निफिकेशन या मैग्नीफाइंग पावर को हमने किससे देखना है, हमने उसको कंपेयर करना है विद दैट सिचुएशन जब हमने कोई भी लेंस यूज नहीं किए. ठीक है, कोई भी लेंस वाला इंस्ट्रूमेंट देख के को यूज करके हम किसी भी ऑब्जेक्ट को कितना मैग्निफाई करके देख सकते हैं, वो उसको कंपेयर करें हम जब हम उसी ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं विदाउट एनी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, विदाउट एनी व्हाट, विदाउट एनी लेंस या कैमरा वगैरह. ठीक है, तो तब हम किसी भी चीज की मैग्निफाइंग पावर देख सकते हैं. सपोज आपको जो है यहाँ पे खड़े होके कोई दूर की चीज कितनी क्लियर नजर आ रही है, लेकिन अगर आपने अपने साथ वो रख लिया है, सपोज मैं आपको ये कहती हूँ कि आपने एक टेलीस्कोप यूज करनी है और आपने स्टार्स को देखना है. ठीक है, और टेलीस्कोप यूज किए बगैर स्टार्स को देखना है. ठीक है, तो आप टेलीस्कोप की मैग्नीफाइंग पावर का अंदाजा ऐसे लगाओगे कि आप बगैर टेलीस्कोप यूज किए स्टार्स को देख रहे हो तो आपको कैसे नजर आ रहा है, लेकिन टेलीस्कोप के साथ वो चीज कितनी क्लियर, कितनी बड़ी और कितनी अच्छी करके नजर आ रही है. ठीक है, तो आपको टेलीस्कोप की मैग्नीफाइंग पावर का अंदाजा होगा. ठीक है, तो यस मैम, यहाँ पे देखो एंगुलर साइज ऑफ द फाइनल इमेज, जो इमेज बन रही है उस ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट से वो कितनी बड़ी और कितनी अच्छी बन रही है, लेकिन नेकेड आई से उस ऑब्जेक्ट का साइज आपको कैसा दिखाई दे रहा है, वो जो है क्या कहते हैं इनका कंपैरिजन, दैट इज नोन एज मैग्नीफाइंग पावर. यस मैम, एम आई क्लियर? यस मैम, क्लियर. ठीक है चलें. द एंगुलर मैग्नीफिकेशन और मैग्नीफाइंग पावर जिसको एम ओ से इंडिकेट किया है इज द एंगुलर साइज ऑफ द फाइनल इमेज. क्योंकि देखो आप यहाँ पे जब कोई भी आप ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट यूज नहीं कर रहे हो तो सिंपली आपको ओरिजिनली उस ऑब्जेक्ट का साइज नजर आ रहा है, लेकिन जब आप कोई ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हो तो ऑब्जेक्ट का असल में साइज तो वही रहा ना. आप ऐसे तो नहीं कर रहे ना कोई लेंस यूज करके, जैसे मैंने अभी टेलीस्कोप की एग्जांपल दी, आप टेलीस्कोप यूज करके स्टार्स को खींच के अपने पास तो नहीं ले आते ना कि वो बड़े नजर आए.
नो, ऐसा नहीं होता, यस मैम, वो वही है। तो इसका मतलब आपको क्या चीज उनकी नजर आ रही है? इमेज नजर आ रही है, जो कि बड़ी नजर आ रही है। ऑब्जेक्ट का साइज सेम रहेगा। यस मैम, देयरफॉर हम लोग यहाँ पे डेफिनेशन में, या यू कैन से हम लोग यहाँ पर इसमें जो फॉर्मूला है, इसमें फाइनल इमेज को यूज कर रहे हैं जब हम लोग ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की बात करें, और हम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं जब हम लोग विदाउट एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की बात कर रहे हैं। क्लियर? यस मैम, क्लियर। तो अब देखो, जो एंगुलर साइज है ऑफ द फाइनल इमेज, ठीक है, प्रोड्यूस्ड बाय द इंस्ट्रूमेंट यानी ऑप्टिकल डिवाइस, ठीक है, डिवाइडेड बाय द एंगुलर साइज ऑफ द, देखो आप किसी भी चीज से एक एंगल पे मौजूद होते हो ना, वो 90 डिग्री का एंगल है, 120 डिग्री का है, जितना भी एंगल है जहां पे खड़े होके आप उसको देख रहे हो, यस मैम, देयरफॉर दे आर मेंशनिंग एंगुलर साइज। क्लियर? यस मैम, क्लियर। ऑफ द ऑब्जेक्ट व्हेन सीन विदाउट द इंस्ट्रूमेंट, तो विदाउट द इंस्ट्रूमेंट के लिए थीटा है, एंड विद द इंस्ट्रूमेंट जो एंगुलर साइज होगा दैट इज थीटा बार, या थीटा कॉम्प्लीमेंट भी आप कह सकते हो। तो मैग्निफिकेशन एम नॉट इज इक्वल टू थीटा बार ओवर थीटा। क्लियर? यस मैम, क्लियर। यहां तक आपके पास क्या आ गया? मैग्निफिकेशन आ गया। नाउ लेट अस कम टुवर्ड द रिजॉल्विंग पावर। रीड आउट करो इसको नवाल। The resolving power of an optical instrument is defined as the power of the optical device to distinguish between two objects that are close together and produce distinct images of the two objects. ठीक In है, simple words, resolving power varies inversely with the distance between the two objects to be resolved when the viewed from an optical instrument. Thus, images of two close-lying objects should appear distinct and separate when viewed from the device. Consider a telescope is used to view two stars placed closely. The telescope's resolving power will depend on its ability to resolve the image of two stars. ठीक है। अब देखो असल में क्या होता है, रिजॉल्विंग पावर यही है कि आपकी दो चीजें बहुत पास पड़ी हुई हैं, ठीक है, लेकिन आप उनको एक दफा देख रहे हो विदाउट एनी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, और एक दफा देख रहे हो विद यूजिंग एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट क्या है? कोई भी ऐसी डिवाइस जो लाइट के साथ जिसका इंटरेक्शन हो, लेंस वगैरह या मिरर वगैरह, ठीक है। तो अब आपको यस आपकी नेकेड आई से विदाउट एनी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट आपको वो दोनों चीजें ऐसे लग रहा है एक ही है। जैसे सपोज एक गाड़ी बहुत दूर से आ रही है, ठीक है, आपको आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते हो कि ये बाइक है या कार आ रही है या ट्रक आ रहा है या क्या आ रहा है। क्यों? क्योंकि उसकी लाइट, जो दो लाइट्स हैं, वो एक ही दिखाई दे रही होती है, राइट? यस मैम, सो आपकी आंखों की रिजॉल्विंग पावर क्या है? कम है। लेकिन वहीं पे अगर आप कोई अच्छा कैमरा वगैरह या लेंस वगैरह यूज करते हो, ठीक है, देन वो आपको शो कर देता है कि नहीं, ये दो डिफरेंट लाइट्स हैं जो कि थोड़े से डिस्टेंस पे एक दूसरे के मौजूद हैं, तो आपको पता चल जाता है कि ये कोई गाड़ी आ रही है, जो है इट इज नॉट अ मोटरबाइक और समथिंग लाइक दैट, ठीक है। सो यूं क्या है कि उस जो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट जो आपने यूज किया था, उसकी रिजॉल्विंग पावर आपकी आई से ज्यादा थी, उसने इजिली दो क्लोजली प्लेस्ड ऑब्जेक्ट्स को रिजॉल्व कर लिया कि दे आर टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। यस मैम, एम आई क्लियर? यस मैम, क्लियर। अब आप देखो रिजॉल्विंग पावर क्या है, कि दैट इट वेरीज इनवर्सली विद द डिस्टेंस बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट्स टू बी रिजॉल्व व्हेन व्यूड फ्रॉम द ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। अगर दो चीजों के बीच डिस्टेंस बहुत कम है, ठीक है, तो रिजॉल्विंग पावर आपको हाई चाहिए होगी ताकि वो उनके बीच डिफरेंशिएट कर सके, ठीक है। लेकिन अगर यस दो चीजों के बीच डिस्टेंस ज्यादा है, खुद ही ज्यादा है, तो आपको ज्यादा रेजोल्यूशन वाला कैमरे की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, वो खुद ही आपको आराम से पता चल जाएगा कि भाई ये दो डिफरेंट चीजें हैं, एक दूसरे से दूर है। क्लियर? यस मैम, जी अच्छा, इसी तरह मैंने आपको टेलीस्कोप की एग्जांपल दी कि आपको नेकेड आई से तो ऐसे लगेगा कि एक ही स्टार है, लेकिन जब आप टेलीस्कोप से देखते हो तो आपको पता चलता है दो तीन स्टार इकट्ठे हैं वो वहां पर, ठीक है। सो इट मींस आपकी आई की रिजॉल्विंग पावर कम है, बट आपके जो टेलीस्कोप है उसकी रिजॉल्विंग पावर क्या है? ज्यादा है। क्लियर? यस मैम, जी अब यहाँ पे देखो एग्जाम्पल, कि आपको वही कार आपको दूर से दिखाई दे रही है कि एक ही लाइट है, आप डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहे हो कि वेदर इट इज अ कार या अ मोटरसाइकिल, ठीक है। लेकिन जून जून वो चीज नजदीक आ रही है, या आप कोई ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट यूज करते हो, आपको वो दो डिफरेंट लाइट्स दिखाई देती हैं,
सो इट मीन्स कि रिजॉल्विंग पावर जो है वो इंक्रीज हो गए। यस आपने एक अच्छी रिजॉल्विंग पावर वाली चीज ली और आप वो चीज रिजॉल्व हुई और आपको पता चल गया कि दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स थी लेकिन क्लोजली प्लेस्ड थी। यस मैम, क्लियर? यस मैम, क्लियर।